जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू। सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं। किस नगर किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। नाना बा मैं तो एक घंटे से तैयार हूँ, देख ले। ओ क्या ना है। हाँ छबड़ो ओ कितने हो छबना बो। वो भी बस तैयार ही है, आंखों में सुरमा डाल रही थी। ओ ठीक है ओ बात सुनो, ओ बाहर जाओ गाड़ी के ड्राइवर को कहो गाड़ी स्टार्ट कर और इंजन गरम कर, चल। अच्छा जी जाता हूँ। ओ किधर है, ये कटिंग क्यों नहीं कराई है? और बाल नहीं कटाया, देर हो जाएगी फिर। अरे नहीं नाना अब्बा देर नहीं होगी, मैंने कपड़े तो इस्त्री कर लिए हैं, बस कटिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। और थोड़े बाबर नु काल लगा, वो कह वो जितनी छेती कर सकता है जाए हो शादी हॉल लेके बोटियों को, जा भाई जा जल्दी जा। अच्छा मैं कर देता हूँ, रास्ते में कॉल कर दूंगा। जा बस जा ना। दोनों एक बार फिर से सोच लो। मैंने कहा है ना दी से, जो होना था वो अब हो गया, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। बाबर आपको भी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। हम लोग शादी हॉल में आए जहाँ हमारे बहुत इज्जतदार खानदान वाले बैठे हैं, तब सोचने या समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। फैसला लेने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है, एक और फिल्म या ड्रामा नहीं जिसमें जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हकीकत है, जो होना था वो हो गया, अब बस। शनाख्ती कार्ड दे दिते ने, सिर्फ असवर दा रह गया। मौलवी साहब ना निकाह नामिया ते ना ते पते लिख रहे ने। असली के दूल्हे राजा, आप भी आके बैठे भाभी के साथ। अभी नहीं, जब निकाह का टाइम आएगा चले जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है भाई जान, वक्त हो गया है। नाना अब्बा फॉर्म फिल करवा रहे मौलवी साहब से। अभी फिर भी टाइम है, चले जाऊंगा, अभी दिल नहीं कर रहा। वो असफर लोग आ गए? नहीं। तो ठीक है, जब वो आएंगे फिर चले जाऊंगा। भाई नाना अब्बू ने कहा कि सबसे पहले निकाह आपका ही है। तो नाना अब्बा पता नहीं कहां से आ गए। अच्छा यार मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे भाई प्लीज, तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे। पिला देता हूँ भाई, आज तो आपका हुक्म सर आंखों पर है।
मैं खुद परेशान हूँ हसीना जी, ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया क्या मतलब? आप फोन करिए उसके नंबर पे। फोन ही तो बंद आ रहा है। और एक और बात भी है। कैसी बात? बस आप परेशान मत होइएगा प्लीज। क्या बात कर रहे हैं कमाल साहब, मैं क्यों परेशान नहीं हूँ, क्यों टेंशन दे रहे हैं मुझे? वो उसके कमरे से कुछ अहम चीजें भी मिस हैं। कैसी चीजें? असफर का पासपोर्ट। क्या? लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कैसे फिक्र ना करूं? कैसे फिक्र ना करूं? मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन स्टेज पे बैठी हुई है और मौलवी साहब निकाहनामा फिल कर चुके हैं। देखें, ये 40 साल पुरानी रीत नहीं चलेगी अब। आप भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। कमाल साहब, इस हॉल का टाइम सिर्फ 3 घंटे है जिसमें से 30 मिनट गुजर चुके हैं। अगले 1 घंटे के अंदर अगर आप असफर को लेके नहीं पहुंचे तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ है ले, तू इत्थे खलोता है, मैं सारे हाल च भी तेनू लभनी। कोई काम था आपको? आहो पुत्र, अज तो सारे काम ही तेरे नाल ने। वो अब्बा जी कहंदे पए ने कि जाके स्टेज ते बैठ ताकि मौलवी साहब निकाह पढ़ान। लेकिन अभी तो कमाल अंकल लोगों ने भी आना ना, उनकी शिरकत तो बहुत जरूरी है, आखिर हमारी खुशबू का ससुराल है। आहो गल ते तेरी सही है, मगर उन्ना दे आने च पूरा घंटा पिया है ते मेहमान पे सारे तंग हुंदे ने। तो खाना खोल दे। ओ ना 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 ना, अब्बा जी ने सख्ती दे नाल मना कीता है। ओ कहंदे पए ने जदों तिकर तिने निकाहना ना हो जान रोटी नहीं खुल रही। तो फिर मैं जाऊं, कुछ करता हूं जाके, स्टेज पे जाता हूं। आहो पुत्र जा जा, फटाफट जा। वालेकुम सलाम। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक। आओ जी आओ। कैसी हैं? आओ जी आओ, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। आओ पुत्र आओ, बिस्मिल्लाह खैर नाल। वे सूफी, इधर आ इधर आ। जी। वो लैंड देन वाले कपड़े किथे ने? कौन से? ओहो मिलने वाले सूट। वो तो बाबर भाई की गाड़ी में। तो पुत्र चाबी लाया, ओदे कोलों तो फटाफट काट के लिया। चाबी तो मेरे पास है, मैं ले आता हूं। पर जा अभी हूं ना, फटाफट कर। मैं पता था कि सभा किसी और से। हां लेकिन ये नहीं पता था कि कई अब ये सब हो क्या रहा है। अब वही तो 40 साल पहले तुसी कीता सी। ओए तेरा नहीं है, अब सलामत फौजी दा मसला है। ओए मुंडे, ओए सादिया आ के दरवाजे बंद कर दे। ओ पागले दा पाए ये दोनों सलाबा। चाचा जितना मुझे भागना था मैंने भाग लिया, अब भागने नहीं आया हो। टाइम तो बहुत हो गया है, आप कहे तो दरवाजा लॉक कर ले। हाय हाय, ऐ गजब ना करना, अब्बा जी नु बड़ा गुस्सा चढ़ जाएगा। जदों सोच लेंगे ना तो आप ही बाहर आ जाएंगे। चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। कहाँ चले गए थे तुम? एक्चुअली मुझे इमरजेंसी में यूके जाना पड़ा। तो कॉल करके नहीं बता सकते थे क्या? आई वाज अबाउट टू कॉल यू, लेकिन क्या ये वही असफर है जिससे तुम निकाह करने वाली थी? हाँ। क्या तुम्हें पता था कि सभा किसी और से? हाँ लेकिन ये नहीं पता था कि कई है वो। ये सब हो क्या रहा है? अब वही तो 40 साल पहले तुसी कीता सी। और मैं पहचान गया तन्नू, तू वही कमाल है ना जो हसीना के निकाह के वक्त उसको छड़ के पाकिस्तान से नस गया सी। क्या? नहीं 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 अब्बा जी, तुहानू कोई गलत फहमी हो गई है। और ना ओ पुत्र, असलामत फौजी दी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। शुक्र है मैंने तीसरी बार कबूल है नहीं कहा था। तुम्हारे कबूल कहने से कुछ नहीं होता,
मेरा कबूल करना भी जरूरी है। फजीला आंटी बेहोश हो गई है। किधर? उस तरफ। अम्मी जान प्लीज आगे खोले ना अम्मी जान प्लीज। अम्मी बेटा मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल बंद हो रहा है। हौसला कर पुत्र, हौसला कर। अब बेटियां सब की सांझी होंगी। ओए तेरा नहीं है, अब सलामत फौजी का मसला है। आए मुंडे, ओए साजिया आ के दरवाजे बंद कर दे। ओ भागने का पा ये दोनों प्यो के पुत्र। सलाबत चाचा, जितना मुझे भागना था मैंने भाग लिया। अब भागने नहीं आया हो, असफर ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। अब सभा बेटा तुम बताओ मसला क्या है। एक्चुअली अंकल, मैं और असफर एक बुक शॉप में मिले थे, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो असफर ने मुझे कुछ पैसे किताब खरीदने के लिए उधार दिए थे। बस मैं समझ गया। आए पहले इसने उधार दे के दोस्ती की पिंगे बनाई है, और फिर तेनू बीच मजदार छड़ के नस गया है। ये सच नहीं है। खामोश, एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। कमाल साहब, सलामत चाचा ने सभा की बात को खुद से अज्यूम कर लिया है। असफर को बोलने तो दें ताकि सच तो सामने आए। सच तो सामने आ गया ना पुत्र, खून का असर आंदा है। अब देख लो, और जैसा पीऊ चीटर फराडिया और वैसा ही पुत्र चीटर फराडिया। अंकल प्लीज, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश, मैंने कहा नहीं ये हमारे बुजुर्ग हैं, चुप हो जाओ। और चुप करो बेटा शाहकार, और मैं हूँ मुंडे की गल जरूर सुनाऊंगा। और मैनु इसके अंदर और गैरत की खुशबू आई है। आज बोल पुत्र बोल, पर सच बोल बोल। अंकल ये बात सच है, सबको एक किताब चाहिए थी लेकिन मैं नहीं जानता कि एक मुलाकात मोहब्बत बन जाती है। मोहब्बत? तो फिर तुम सभा को निकाह पे आमादा करके गायब क्यों हो गए थे? दरअसल सभा फौरन ही निकाह चाहती थी लेकिन मैं अपनी फैमिली को अपने डैड को इन्वॉल्व करना चाहता था, और एक दिन ये कोर्ट चली गई निकाह के लिए। बस उसी दिन मैं इसकी बेबाकी से घबरा गया। हाँ पुत्र सभा, ए सच कह रहे? जी अंकल, ये सच कह रहे हैं। दरअसल मेरी जिंदगी में अम्मी के सिवा कोई रिश्ता ही नहीं था, और मैं बचपन से इस रिश्ते को खोने से डरती थी। तो बेटा फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डैड मैंने आपसे कहा था कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात की वजाहत करता उससे पहले ही आपने मेरा रिश्ता खुशबू से तय कर दिया, और जब भी मैंने बात करना चाही आपने मेरी आवाज को वहीं दबा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गलती ना सबर दी है ना सभा दी कोई गलती है, और कसूर अगर है तो हालात दा है, और हालात ने सारा कुछ किया है। हाय हाय अब्बा जी, फिर कोई हल भी तो दसो ना, वेखो ना सारी बरादरी मौजूद है। अज को फिलहाल मैनु कुछ सोचना चाहिए। आए मैनु कोई जगह बताओ जा मैं कुछ 5 मिनट बैठ के सोच लेवा। अरे चाचा जी, वो दुल्हन का कमरा है ना, वहां जाके आप सोच लें। वो किधर? उधर है कोने में। बंटी जा अब्बा जी नु लेके जा जरा। अस्सलाम वालेकुम, की हो रहा है?
खाना शाना कदों खुल सी? खुल जाएगा आ जाके बैठो। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। पूरे 15 मिनट हो गए अभी तक बाहर नहीं निकले। टाइम तो बहुत हो गया है, आप कहें तो दरवाजा लॉक कर ले। हाय हाय, ऐ गजब ना करना, अब्बा जी नु बड़ा गुस्सा चढ़ जाएगा, जदों सोच लेंगे ना तो आप ही बाहर आ जाएंगे। चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। भाई मेरी तो दुआ है जो भी फैसला हो वो सबके हक में बेहतर। भाई सलामत साहब दानिशवर टाइप के आदमी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सही फैसला करेंगे। हाँ जी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर मेरी बच्ची सबा की शादी नहीं हुई ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हौसला करें फजीला। कैसे हौसला करूं, अगर असफर ने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो? अब देखें ना, इसमें असफर का ही कसूर थोड़ी है। तो फिर किसकी गलती है? मेरी बच्ची तो नादान थी, कम से कम असफर को तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। अब अपने आप तो चल के आने से रहा, और आपकी बेटी इकरार भी तो कर रही है। हाँ है, की हो गया तुहानू है, तुसी ते आपस विच लड़ाई पा लेती। भाभी मैं कान लड़ रहा हूँ, अब इनको देखे ना किस तरह की बातें कर रही है। अरे जाहिद आप एक काम करें, ये कमाल भाई को लेके वहाँ जाए सर प्लीज। मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अरे फजीला स्ट्रेस नहीं ले। अरे फजीला आओ तुम, आओ वहां चल के बैठो, आओ आओ जाओ भैना, उठे जाके बैठ, कुछ नहीं होता, अब्बा जी आ जाएंगे होने बाद। गल सुन, मैनू तो खुशबू की फिक्र लगी हुई है, मैनू तो लगता है कि हुन वो कभी भी ना असफर दे नाल ब्याह नहीं करेगी। चिंदा मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने जहन को ना आजाद छोड़। आप कहती तो तू सही है, चला फिर कितने बह जाना, मैं तो खलो खलो थक गई हूँ। अय्या खुशबू, कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया, अब इसे अपने हाथ से मैं चाह लेता हूँ। जी बाजी, और अब सभा के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने किसी के बारे में सोचा? नहीं ना, अगर एक दुल्हन ने उसे मना कर दिया तो उसने दूसरे को हाँ कर दिया। उसकी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। क्यों? तुम्हारे नाना के आने वाले फैसले पर। इसमें डरने वाली कौन सी बात है दानिश? देखो कभी कभी चने के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा ना हो कि सारा का सारा मलबा हमारे ऊपर आके गिर जाए। अब इस बात का मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? बताते लगा उदे दिल विच की है। हाँ चाची, पहले नाना अब्बा का फैसला तो आ लेने देना। ओ, फिर भी पता तो चले ना कि वो असफर दे नाल शादी करना भी चाहती है कि नहीं। वो तो वो हरगिज नहीं करेगी। ते जी अब्बा जी ने असफर दा कसूर माफ कर दिता ते फिर? बस इतनी सी बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे, मैं आपको खाना ला देता हूँ, मगर देखिए प्लीज इस तरह से छोड़ के मत जाइए, अभी थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा जब तक खाना खाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतने लोगों में मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। खुशबू, कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया, अब इसे अपने हाथ से मैं चाह लेता। जी बाजी, और अब सभा के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने किसी के बारे में सोचा? नहीं ना, अगर एक दुल्हन ने उसे मना कर दिया तो उसने दूसरे को हाँ कर दिया। की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। वो बाजी बस भी कर दे, आज के दौर में ना कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, तो आप भी दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दे। अगर तुमने अपने अलावा किसी के बारे में भी सोचा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। लेकिन मेरे अकेले के सोचने से क्या होगा, अगर बाबर ही हाँ ना करे तो? भाई अब बाबर भाई के पास कोई जवाब नहीं है पीछे हटने का, और वैसे भी प्यार तो वो भी आपसे करते है ना। यानी बगैर हिम्मत के प्यार एक कोमे की मरीज की तरह होता है, जिसके सामने उसकी मनचाही चीज तो होती पर वो कुछ कर नहीं सकता। एक बार नाना अब्बा का फैसला आ जाए फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है नाना अब्बा ने कमाल अंकल और असफर भाई की दौड़े लगवा देनी है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मैंने उस बांदर से शादी करने के लिए हाँ इसलिए की थी कि हसीना फूफो और कमाल अंकल करीब आ सके। खुद सोचो क्या हसीना फूफो का हक नहीं बनता
कि उन्हें इस उम्र में एक मजबूत सहारा मिल जाए। कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। हाँ, लेकिन ये तो अब नाना अब्बा पर डिपेंड करता है ना कि वो क्या फैसला करते हैं। अगर नाना अब्बा ने हसीना पप्पो के खिलाफ फैसला दिया ना, मैं तो पूरा पूरा एहतजाज करूंगी। मतलब ये सारी हकीकत जानने के बाद भी तुम असफर से? उससे शादी कर दी है मेरी जूती, लेकिन मैं हसीना पप्पो और कमाल अंकल की शादी करवा के रहूंगी। अगर खुशबू ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ। मैं भी, पर मैं तो तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें पता है खुशबू, तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है, अब जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोने के लिए तैयार नहीं। मगर अभी नाना अब्बू का फैसला आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे दिल का फैसला आ चुका है। अब कोई जिए या मरे, दुनिया इधर की उधर हो, बाबू अपनी दुल्हनियां लेके ही जाएंगे। प्राइवेसी नहीं मिलेगी, बात कर रहे हैं आप? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों? तुम्हारे नाना के आने वाले फैसले पर। इसमें डरने वाली कौन सी बात है दानिश? देखो, कभी कभी चने के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा ना हो कि सारा का सारा मलबा हमारे पर आके गिर जाए। अब इस बात का मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मतलब ये कि अब क्या होगा ये तो नहीं जानते ना। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। वो क्या? वो स्टेज खाली है और ये सभी फ्री बैठे हैं, जितनी देर में फैसला आएगा हम फटाफट चल के निकाह पढ़वा लेते हैं, कलमा यूं पढ़ा जाएगा। हाँ दानिश, कैसी बातें कह रहा है, हमें यहाँ से उठना चाहिए, मेहमान आ जाएंगे। तू उन्हें खुशबू के नाल खलोती हुई से ना? हाँ, क्या हुआ? देख पुत्र, तू ना खुशबू की कजन भी है हैं, ते ओदी बचपन दी सहेली भी है, पता ते लगा ओदे दिल विच की है। हाँ चाची, पहले नाना अब्बा का फैसला तो आ लेने देना। ओ फिर भी पता ते चले ना कि वो असफर दे नाल शादी करना भी चाहती है कि नहीं? वो तो वो हरगिज नहीं करेगी। अच्छा, ते जे अब्बा जी ने असफर दा कसूर माफ कर दिता ते फिर भी माफ नहीं करेगी। अगर असफर सोने का भी बनकर आ जाए ना, फिर भी खुशबू से शादी नहीं करेगी। अरे रब्बा, फिर तो तू दुआ कर हैं कि अब्बा जी इस बार तक कसूर ही ना माफ करन, पता है बड़ा पुआड़ा पै जाएगा वरना। हाँ, की तो है। चले। दानिश मियां, मुझे लगता है कि फैसला आने में काफी टाइम हो जाएगा, और मुझे एक और निकाह भी पढ़ाना है, ऐसे भूख भी बड़ी जोर की लग रही है, इसलिए कि मैं सुबह घर से नाश्ता कर नहीं आया था। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर बूफे का भी इंतजाम है। बस इतनी सी बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं आपको खाना ला देता हूँ, मगर देखिए प्लीज़ इस तरह से छोड़ के मत जाइए, अभी थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा, जब तक खाना खाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतने लोगों में मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूँगा? हाँ तो इसमें ऐसी टेंशन की क्या बात है, हमेशा कोने में चले, मैं वहाँ खिला देता हूँ। अब दानिश मियां, आप इतना जिद और एहसार कर रहे हो, मगर एक बात याद रखना, मैं खाने पीने में काफ़ी किफ़ायत शार हूँ। आपके कपड़े देख के आपकी किफ़ायत शारी का अंदाज़ा साफ साफ हो रहा है। इस पर मत जाए दानिश मियां, खाते पीते घर आने से ताल्लुक है मेरा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आइए मेरे साथ आइए। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद एक फैसला किया। अब्बा जी फटाफट दसो ना की फैसला किया जी। आप खुदा रा कोई भी फैसला करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने मरहूम दोस्त के बारे में भी सोच लीजिएगा। आप तेरे फिलहाल से मैं जिंदा लोगों को जहन में रख के फैसला कर रहा हूँ। हाँ तो बताए ना क्या फैसला किया? सलामत साहब,
बस इतना बता दें कि खुदा ना खास्ता आपके फैसले से हमारी पार्टी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना। नाना बू, उसके लिए साइड में ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और कोई मुंह बता रहे बताऊं? नाना अब्बा, मैं बाबर नाल व्याह नहीं कर सकती। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद एक फैसला किया। अब्बा जी फटाफट दसो ना की फैसला किया जी। खुदारा कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सिर्फ एक बार अपने मरहूम दोस्त के बारे में भी सोच लीजिएगा। आप तेरे फिलहाल से मैं जिंदा लोगों को जहन में रख के फैसला कर रहा हूँ। हाँ तो बताए ना क्या फैसला किया आप? सलामत साहब, बस इतना बता दें कि खुदा ना खास्ता आपके फैसले से हमारी पार्टी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना। अब देखो भाई, मुतासिर तो सारे ही होंगे थोड़े बहुत। चाचा जी, खुदा का वास्ता है, जो भी फैसला किया है ना सुना दें। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे भी। और इसलिए मैं ये चाह रहे हैं कि सारे बैठ जाए। और देखो भाई, फैसला बड़ा है और हाँ है छोटी, तो तुसी सब लोग मेरे पीछे आओ, बैठ के कहीं करते हैं फैसला मिलके। आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ जी, आ जाओ। और मैंने बड़ा सोच के ये फैसला किया है कि असफर का नकाह सभा दे नाल कर दिए। वाह बाजी, तुसी तो बेहतरीन फैसला किया जी। और अलीजे और दानिश दा ब्याह ते होना ही है, हैं जी? अरे भाई, ये दानिश है कहाँ? यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? अब मसला है बाबर दा ते खुशबू दा। तो मैंने सोचा खुद एवी, मैंने कहा बाबर दा नकाह हो जाना चाहिए खुशबू से, क्या ख्याल है? हाँ जी अब्बा जी, बेहतरीन गल है। हाँ जी बिल्कुल, घर की बात घर में ही रह जाएगी। हाँ भाई, भाई सच पूछे तो इस फैसले से हमें भी बहुत खुशी हुई। और हाँ, मुझे तो बाबर और खुशबू की जोड़ी शुरू से ही पसंद थी। पर एक मसला हो रहा है, इसलिए मैंने इस फैसले को फिलहाल महफूज कर लिया है। हाय हाय अब्बा जी, खून की मसला वो भी दस दियो। और देखो पुत्र, जमाना बदल गया है, आजकल लड़का लड़की की रजामंदी बड़ी जरूरी होती है। तो तू इंज कर के इनू कोने ते ले जाई और इना दी रजामंदी मालूम कर। अच्छा अब्बा जी। हाँ जी। थाना बू, उसके लिए साइड में ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और कोई मुंह बता रहे बताऊं? नाना अब्बा, मैं बाबर नाल व्याह नहीं कर सकती। फैसला नहीं, नाना अब्बा एक मिनट मेरी गल तो पूरी सुन लो। सुना पुत्र। मैं बाबर नाल तब तक बयान नहीं करांगी जब तक इस हाल में एक और निकाह ना हो। बात सुन, तुमने खुशबू बाजी से हमारी बात तो नहीं की? जी, और वो निकाह है कमाल अंकल और हसीना फुपो का। इसके लिए मुझे एक बार और जाना पड़ेगा ब्राइडल रूम में। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्यों भाई, और क्यों? क्योंकि जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? आसीना। हाँ कीना जी। अब बच्चे
ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਤੇ। ਓਏ ਕਮਾਲੇ, ਆ ਫੇਰ ਨਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਓਏ? ਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू। सोच में गुम है भैया बाबू, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर। किसको पाना, किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।